अस्सलाम वालेकुम जी, मैं जुबैर फारूक एक मरतबा फिर आपको अपने चैनल के ऊपर वेलकम खुश आमदीद और जियानो करता हूँ। तो आज जो है ना वो खाने के शौकीन इस वक्त आ चुके हैं एक ऐसी सियालकोट की फेमस जगह पे जो कि तकरीबन 50 से 60 साल की बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो अभी जो है ना हम आपको यहाँ का एक पूरा टूर करवाएंगे, यहाँ की जो एक मशहूर है ना, जो लोग तो चाय पीते हैं, तो अभी आपको दिखाएंगे यहाँ की चाय उसमें क्या खास बात है। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे और आपने शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो आज हम आपको जो है ना वो ऐसे टी स्टॉल के ऊपर लेके आए हैं जो कि सियालकोट में सबसे पहले है। तो अभी जो है ना हम आपको वहां के रिव्यू देते हैं, तो मेरे साथ आइएगा, अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो है ना वो क्या हो रहा है। तो आपको जो है ना सबसे पहले ये बात है कि ये जो है ना जगह मिलेगी ये आपको तो प्रॉपर नेशनल टी स्टॉल है, ये आपको मिलेगा हाजीपुरा से आप अगर आप आते हैं तो ये आपको मिलेगा। ये चौक है, ख्वाजा चौक है यहाँ पर, यहाँ पर जो है ना इनकी स्पेशल किस्म की चाय जो बन रही होती है उसकी क्या खास बात है। इतने बड़े पतीले में आपने कभी चाय बनती देखी है? मैंने तो नहीं देखी। तो यहाँ पर चाय बन रही है, इसका क्या मकसद है? ये यहाँ पर जो है रस होने की एक बड़ी जो है ना वो वजह ये है कि सर्दियों के मौसम में यहाँ की चाय ऐसे बिकती है जैसे गर्मियों में पानी और शरबत। जो है 2.5 मन से ज्यादा दूर पड़ा हुआ है जो इन पतीलों में है, और उसके अलावा जो भी चाय बन रही है बड़े बड़े पतीलों में वो यहाँ पर है। आप देखिए कि ये जो है ना इतना दूर को काटते हैं, इतना काटते हैं कि दूर तक खोया बना देते हैं। चाय बनाने का एक प्रोसेस है, प्रोसेस क्या है? प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पर दूध होता है, उसको जो है ना वो खवा जाता है। अभी ये दूध जो है ना वो 2.5 मन के करीब दूध है, ये पतीले में पड़ा हुआ जो ना ये काट रहे हैं। इसके बाद जो है ना काटने के बाद सेकेंड प्रोसेस जो है ये वाला, ये भाई जो है यहाँ पे मौजूद है, ये सेकंड इसमें ना बिल्कुल हल्की सी पत्ती डाल के ना उसको काट रहे हैं। तो दूध को ये जो है ना बड़े अच्छे अंदाज से और ये चेयर रख के आप देखेंगे खड़े होकर ना ऊपर उसको ना काट रहे हैं बर्नर के ऊपर। वहां से दूध आता है बिल्कुल जो है ना वो थोड़ा सा पक के दूध पका, उसके बाद थोड़ा सा उसमें बर्फ भी पकाया, फिर आ गया इस जगह पे जहाँ पे इसमें मशीन उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है। आप ये चेक करें, क्या बात है जनाब। अब जो है ना इस पतीले में पकेगा, उसके बाद आप बनाने वाले सकते हैं या पीने वाले सकते हैं, मुझे नहीं पता इनके टेस्ट में क्या खास बात है, लेकिन लोग जो है ना वो यहाँ पे मौजूद है और जहां जगह मिले बैठ के और खड़े होकर चाय पी रहे हैं। क्या कमाल हो गया, चेक करें। अच्छा ये प्रोसेस आपने यहाँ पर देख लिया जहाँ पर चाय जो है वो बन चुकी होती है तकरीबन हमारे मुताबिक, लेकिन इसके बाद एक प्रोसेस है वो है यहाँ पे जहाँ पर जो है ना इसके बाद चाय आएगी वो यहाँ पर पकेगी, मतलब चाय जो है ना वो पकती रहेगी जब तक जो है ना वो पक नहीं जाती। क्या कमाल है। और फिर जो है ना लास्ट में पकने के बाद वहां पर फाइनल टूर होगी इसकी, जहाँ पर इसकी फाइनल टूर होती है जहाँ पर जो है वो चाय टेस्ट होती है, और फिर जो है वो कपों में आए। ओए होए 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 होए, ये आए हैं भाई और चाय लेके, क्योंकि जो चाय उधर पकती है वो इधर आती है, जो उधर पकती है वो इधर पास आती है। बहुत ही हैरानी की बात है, इस चाय में क्या ऐसा खास है जो सियालकोट के लोग जाने हैं। आप देखिए ओवर द रोड जो है ना वहाँ पे बहुत ज्यादा रश है, जो लोग जो है वहाँ पे चाय को एंजॉय कर रहे हैं। ओए होए होए होए, भाईजान यहाँ पर चाय नहीं मियार बिकता है, ये चेक करें आप, जबरदस्त शानदार जिंदाबाद। ये अल्लाह की रहमत है और हमारी मेहनत है, माँ बाप की दुआ है, बस मौला का।
चाय में क्या डालते हैं? सब चाय में कुछ नहीं डालते, बस चाय में मेहनत ज्यादा करते हैं, पकाते हैं, मेहनत से काम करते हैं, मेहनत करते हैं ज्यादा, इसलिए ये चाय बनती है। माँ के आगे खड़ा होकर पकानी पड़ती है, इसलिए चाय बनती है, वैसे चाय नहीं बनती। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, लोग कहाँ कहाँ से आपके पास जो है वो चाय पीने के लिए आते हैं? पूरे पाकिस्तान में आते हैं, पूरे पाकिस्तान में आते हैं, बाहर के मुल्कों से बहुत से आते हैं, अंग्रेज आते हैं, बहुत ज्यादा लोग आते हैं चाय। माशाल्लाह ये सियालकोट का नाम रोशन है। सियालकोट का नाम आप देख रहे हैं, कुछ मार्शल बता रहे हैं कि बड़ी दूर दूर से बल्कि आम लोगों का तरजीह के अलावा लॉट से भी लोग आते हैं और आते चाय पीते हैं। मेरा ख्याल है मुझे इससे अच्छी चाय अपनी जिंदगी में देंगे, बहुत बड़ी बात है। इस्माइल साहब बहुत शुक्रिया, आपके काम में बहुत बड़ा, थैंक यू सो मच, आपको शुक्रिया। चाय पर जो है ना वो आपने सारा कुछ बनते देखा, सारा कुछ में आती है चाय 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 चाय। तो अभी जो है ना हम लोग जो है ना आपको दिखाते हैं नेशनल रेस्टोरेंट, ठीक है, रेस्टोरेंट मौजूद है यहाँ पे। चाय तो इस तरह लगी हुई है जो कि ना मतलब 5 से 6 मन दूध जो है ना वो रोटेट कर रहा है ऐसे। यहाँ पर मौजूद है इनका रेस्टोरेंट जहाँ पे आपको मिलेगी फिश, बारबेक्यू, उसके अलावा हर वो चीज जो आप लोग खाना चाहेंगे। मुझे सुनने में आया कि वो 40 साल हो गए उस जगह को जहाँ पे चाय बनाते हैं और 5 साल हो गए इस जगह को जहाँ पर जो है ये बारबेक्यू, पराठे, तंदूर शंदूर सेक्शन है इनका और सारा जो है ना वो चीजें मौजूद है। और इस वक्त जो है ना ये भी यहाँ पर एक बहुत अच्छा किस्म का फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत अच्छी चीज है ये। यहाँ पर इन्होंने तवा चांप रखी हुई है और फिश को फूलों के साथ सजाया हुआ है। यार क्या अखीर हो गया, जबरदस्त मजा आ गया देख के। मेरा ख्याल है कि अगर आप लोग यहाँ पर आए और आकर आप लोग जो है ना वो एक अच्छा डिनर एंजॉय करें, उसके बाद 2 कप चाय, हाय 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 हाय। मेरे साथ मौजूद है एजाज अहमद जो कि यहाँ पर शेफ है, चाय बनाते हैं वहां के मालिक खुद। और अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं एजाज साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर। एजाज साहब मुझे ये बताएं कि आप जो है ना यहाँ पर चाय जो है ना वो देखते होंगे और पीते भी होंगे, तो कितना अर्सा हो गया इस जो है ना खाने पीने के रेस्टोरेंट को? सर 2 साल हो गया मुझे यहाँ पे काम करते हुए, मुझसे पहले ये चाय वगैरह की दुकान है, लेकिन रेस्टोरेंट में मुझे 2 साल हो गए, रेस्टोरेंट मेरे आने से पहले से बना हुआ। तो यहाँ पे क्या क्या बनता है, मतलब जैसे मुझे तवा चाप नजर आई, फिश नजर आई, और इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या है? उसके अलावा सर हमारे पास मेन्यू पड़ा हुआ है, चाइनीज खाने हैं, इंडियन खाने हैं, अरबिन खाने हैं, पाकिस्तानी भी है, ऊपर 2 शेफ काम कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा भी आपका जो है ना वो खाना ऊपर बनता है? जी सर, ऊपर किचन में बनता है, VIP है, देसी मुर्ग है, जैतून में हम स्पेशल तैयार करते हैं उसको, जैतून में तैयार हुआ हुआ देसी मुर्ग। ये आप सुन रहे हैं, इनकी चाय ही कमाल की नहीं है, ये लोगों के खाने भी बड़े कमाल के हैं, तो सियालकोट ऐसे नहीं मशहूर। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपसे यहाँ पे लोग आते हैं, दूर दूर से मुलाकात होती है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत, पूरे पाकिस्तान से कई लोग आते हैं, पूछते हैं चाय के लिए आते हैं, फिर खाना भी खा के जाते हैं। अच्छा, हाँ जी। चलिए सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह। जहाँ पर जरा गर्मा गर्म पराठा लग रहा है, और इस पराठे की क्या खास बात है आप देखे। देने वाले हैं नेशनल टी स्टॉल का किचन टूर। आपको चाय की तलब तभी होगी जब आपने एक अच्छा फूड खाया होगा, जहां पर जो है ना वो एक देसी घी के अंदर जो है ना वो कढ़ाई बनाने लगे हैं, चिकन कढ़ाई। देसी घी को अंदर ऐड किया जा रहा है, भाई मेरे एडम्स का देसी घी ऐड कर दिया। अदनान भाई जो है ना वो मेरे कमाल के जो है ना खाने लगाते हैं, और नेशनल टी स्टॉल में मेरा ख्याल दिन में 6 मग पर चाय पीते हैं, तो ये इनकी क्वालिटी है, 4 या 5 मग पीते हैं, सॉरी मैंने 6 मग मैं आपके अल्फाज वापस देता हूँ, और साथ में जो है ना वो कढ़ाइयां बनाते हैं, ये इनकी स्पेशलिटी है।
आप ये चेक करें, ये कौन सी कढ़ाई बना रहे हैं आप? स्पेशल चिकन कढ़ाई है भाई जान, स्पेशल का कलर चेक करें अभी जो है ना वो गोल्डन कलर, गोल्डन कलर। अभी इसको व्हाइट भी करेंगे, व्हाइट हो जाएगी, ये व्हाइट हो जाएगी। हाँ, इसमें दही ऐड करेंगे, क्रीम ऐड करेंगे? जी सर, क्रीम, हाँ हाँ हाँ, क्रीम भी, दूध भी। कब से कर रहे हैं? तकरीबन 15-16 साल। 15-16 साल तो कढ़ाई बना रहे हो? पाकिस्तानी चाइनीज। है, अब ये फाइनल हो जाएगी। अभी ऑर्डर्स और भी आ रहे हैं और ओए जी, ओए ओए, फाइनल फाइनल, तकरीबन तकरीबन फाइनल, तकरीबन फाइनल है। पहले सेमीफाइनल किया है, अब ये फाइनल हो रही है। तो टेस्ट तो इनकी आदत बनता है, तो बाकी जो है ना वो सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन आप ये चेक करें कि चाहे इनका वो नीचे वाला डिपार्टमेंट है, चाहे वाला, चाहे ये वाला है, मेहनत इन्होंने की है, मेहनत इनकी नजर भी आ रही है। और वो रश बताता है आपको, बाहर बहुत ही ज्यादा रश है, जो कि क्लियर कट बता रहा है कि भैया इनके खाने और इनकी चाय लाजवाब है। फाइनल फाइनल लुक भी इसकी है और ये फाइनल भी है। वाह जी वाह, माशाल्लाह। ये जो है ना ऊपर बहुत ही कमाल का एक डिजाइन बनाया उन्होंने, और ये चेक करें, नाइस, फुल गार्निशिंग, ओके, कोरिएंडर लीव्स एंड रेडी फॉर ईट। अदनान साहब बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने जो है ना वो हमें किचन का टूर दिया और जो है ना माशाल्लाह एक अच्छा सा मतलब कढ़ाई बनती हुई हमें दिखाई। आपकी चाय भी बहुत अच्छी है और आपकी जो है ना वो कढ़ाई तो देख के आज कदम मजा आ गया। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। रिव्यू देंगे, मेरा ख्याल है रिव्यू की जरूरत नहीं है, रश रिव्यू देता है, कस्टमर रिव्यू देते हैं, कमाल है जी। नेशनल टी स्टार की चाय बहुत ही कमाल की है, बिल्कुल बड़े वाला दूध लग रहा है, और इसमें जब मैंने डुबोया ना केक तो कहते अखीर कर दिया। लाजवाब लजीज है भाई, बहुत आला। ये चाय जो है ना नेशनल टी जी, आपने जरूर ट्राई कर ली है, बहुत ही ज्यादा टेस्ट है। वो चाय के अलावा याद आया, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और आपने शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।